आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पानसेवल क्षेत्र के ग्राम नादिया बड़, आमदा, जूना पानी सहित अन्य ग्रामों से बिजली की समस्या को लेकर अन्नदाता परेशान। कनिष्ठ यंत्री को दिया आवेदन। पानसेवल बिजली विभाग के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ बिजली की समस्या बढ़ने लगी। ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पिपरानी, नंदियाबड़, आमदा, जूनापानी के क्षेत्र से किसानों ने कनिष्ठ यंत्री को आवेदन दिया। ग्राम नंदियाबड़ के किसान मोती और डूम सिंह ने बताया, पूर्व में बिजली का समय परिवर्तित किया गया था, जिसका विरोध किसानों द्वारा किया गया, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। वर्तमान में समय परिवर्तन के बाद भी निर्धारित समय के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो रही। अब आगे आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी और अधिक समस्या होगी। 4 घंटे बिजली मिलने के स्थान पर केवल 1 या 2 घंटे मिल रही है। किसान भिकाजीराव पाटिल ने और भगवान पाटिल ने कहा, यदि समय पर फसलों को पानी नहीं मिल पाया तब फसल पूर्ण रूप से चौपट हो जाएगी। यदि अन्नदाता बर्बाद हो जाएगा तो सभी का पेट कैसे भर पाएगा। बसंत पाटिल मधु महाजन ने कहा, बिजली की समस्या का शीघ्र समाधान हो जाना चाहिए जिससे अन्नदाता को राहत मिले। दिलीप शितोले और दिनेश पाटिल ने बिजली विभाग के कनिष्ठ यंत्री शिव प्रसाद पैंद्रम से उच्च अधिकारियों को किसानों की समस्या से अवगत किए जाने की बात कही। कनिष्ठ यंत्री द्वारा उच्च अधिकारियों से बातचीत के बाद यथासंभव निराकरण हेतु आश्वस्त किया। पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत नंदियामण में जो बिजली की समस्या है उसको लेकर ज्ञापन दिया है आज। क्या समस्या है बिजली? समस्या ये है कि जो टाइम पे हमको लाइन मिलती है, जैसे रात को 4 घंटे मिलती है, तो अभी वो बंद होकर कम से कम 1 घंटा जैसे वैसे मिल रही है, और दिन में जो हमको 6 घंटे मिलती है वहाँ पर भी 1-2 घंटा जैसे वैसे मिल रही है, वो भी किसी दिन मिलती या फिर किसी दिन नहीं मिलती। दादा आपका? डूम सिंह। कहाँ रहते हो? नंदियाबड़। बिजली को लेकर क्या समस्या है? बिजली हमको रात में 4 घंटे दे रहे थे, वो 4 घंटे भी नहीं मिल रही। अच्छा। 1-1.5 घंटे मिलती, और दिन में 6 घंटे 6 घंटे थे, उसमें भी 2-3 घंटे भी नहीं मिलती लाइट। पानी पीने की बहुत आवश्यकता, 2 घंटे दिन में मिलती। इसके पहले बराबर आ रही थी बिजली? नहीं, पहले तो ठीक थी, पर अभी ये 15 दिन से ज़्यादा मुसीबत हो गई हमारे यहाँ। सर, बिजली को लेकर बहुत समस्या है अभी। जो शासन द्वारा जो 10 घंटे की बिजली दी जा रही थी, वो केवल अभी 4 घंटे की उसमें कटौती हो गई है। दिन में अभी 2 घंटे और रात में 2 घंटे कम हो गई है। अभी 6 घंटे प्राप्त मिल रही है, दिन में 3 घंटे, रात में 1-2 घंटे, उसमें भी और कभी कभी बंद हो जाती है, बीच में ही कोई फॉल्ट हो जाता है। किसान इस कारण से बहुत परेशान है, त्रस्त है। अब मूंग की फसल है, गेहूँ की है, मक्का है, गन्ना है, इनको पर्याप्त रूप से जो पानी मिलना चाहिए वो अभी मिल नहीं रहा है। और ऐसी अगर स्थिति ये 4-5 दिन अगर रही तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्या कहा साहब ने फिर? साहब को हमने आवेदन दिया है सर, ग्राम आमदा की ओर से, और बाकी गाँव वालों ने भी आवेदन दिया है। साहब ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और हमें आश्वासन दिया है कि हम ऊपर से बात करेंगे, जो भी हमारे तरफ से सुधार करता आएगा वो करने का हम पर्याप्त रूप से प्रयास। मैं भगवान नारायण पाटिल आमदा पंचायत से हूँ। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए बिजली बोर्ड में? बिजली बिल्कुल 10 घंटे में से 6 घंटे भी नहीं मिल रही, रात में भी 4 घंटे से 2-2 घंटे मिलती, दिन में 3 घंटे मिल रही। फसल चौपट हो रही हमारी गर्मी कारण। ये 15 दिन में अगर बिजली का सुधार नहीं हुआ तो काश्तकार फसल पूरी चौपट हो जाएगी, काश्तकार बर्बाद हो जाएगा।